different है. थोड़ा सा कोर्स रहता है, हल्का सा रफनेस एजेस्टली जब फिनिश नहीं रहती जैसे हम क्ले से करते हैं, बट स्टिल वो इतना कलरफुल इतना ब्यूटीफुल लगता है कि क्ले वर्क और स्कल्पचरल में डिफरेंस दिखता है. अब उसकी पेस्ट की बात अगर हम करते हैं तो अभी तक जो इंदौर में चल रहा है कुछ एक लोग ही करा पा रहे हैं क्योंकि वो ऑनलाइन कलर्स पेस्ट आते हैं टेक्चर के और बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, अराउंड 600-800 पर बॉटल आते हैं. तो एक अपने इंदौर में जो करवाती हैं वो 5500 भी कोर्स करवाती हैं. दैट इज़ टू मच कॉस्टली. अगर हम खुद करना चाहें तो कैसे करेंगे? लोकल मटेरियल जो अवेलेबल रहता है या हम खुद बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे? तो आज मैं उसका डेमो करूँगी. ये जो स्कल्पचरल पेंटिंग यहाँ पर अपन ने सैंपल के लिए रखी है ये लोकल मटेरियल से बना है तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. अब ये चीज़ प्रैक्टिस वाली बात होती है कि आप जितनी मेहनत करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे फाइनल से उतनी जल्दी आती है ना. तो इसमें रोज़ बनाना बट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बाकी ईजी रहता है. ये जो फ्लावर है ये बहुत इजी फ्लावर है ना, इसको भी हमने पेस्ट से ही बनाया है. और ये रोज है, अलग से बना के भी आप रख सकते हो कि कहीं वेस्ट करना है आपने अलग से बना लिया. ये विद कलर भी बन सकता है, विदाउट कलर वाइट से भी बना के फिर बाद में भी कलर हो सकता है. मैंने जो बनाया है ये वाइट का पेस्ट करके वाइट बैकग्राउंड किया है, उसके बाद कलर ऐड किए हैं. तो मैं अभी आपको दोनों बता दूंगी कि कलर के साथ में और विदाउट कलर हम कैसे बना सकते हैं, है ना. वॉल पुट्टी सबने यूज किया है ना, ये एशियन पेंट्स की वॉल पुट्टी है. 76 आई थिंक 76 रुपीस प्रिंटेड है, इस पर 80 रुपीस पर केजी होगा. जो पॉलीपैक में आती है वो 40-50 रुपीस पर केजी आती है. मैंने ये यूज़ किया फाइनली. मैंने कॉर्न स्टार से भी पेस्ट बनाने की कोशिश की, सेरेमिक पाउडर से भी की है, मार्बल पाउडर से भी, ये सब चीज़ों से किया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस रहती है. इसका जो कंसिस्टेंसी है ये सीमेंट बेस्ड है. एक तो ये फ़ायदा है कि जो रफनेस थोड़ी सी आती है वो सीमेंट बेस्ड के कारण आती है. हम जो सिरेमिक से बनाएंगे या हम कॉर्नस्टार्च से बनाएंगे या मार्बल पाउडर से, वो चीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है. मैंने क्या किया इसके अंदर थोड़ा सा उठाने के लिए, जैसे हम नाइफ से करते हैं, कोई एक आ जाए यहाँ पर पूरा वीडियो बना ले और फोटोग्राफ भी पीछे में आप लोगों में से कोई कौन फोटोग्राफर एक्सपर्ट है हमारी, ये आ जा मेरे तो फोटोग्राफ किस से है इधर बैठा तुम वीडियो बना तो पास आ जाओ.